नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि मेरे शरीर को, मेरे टेक्निक को अब अच्छी तरह से समझ पाएं। थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचिए, यहाँ ब्लैक टू प्ले क्या होगा, वाइट टू प्ले क्या होगा। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर वाइट के पास 3 पॉन है और ब्लैक के पास सिर्फ 1 पॉन है, और यहाँ पर ब्लैक ने वाइट को चेक मारा हुआ है, तो इसका यह मतलब है यहाँ पे व्हाइट पहले चलेगा और डिफेंस करेगा। तो मैं आपको समझाने से पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे व्हाइट जीत सकता है तो कैसे जीत सकता है, और यहाँ पे व्हाइट नहीं जीत सकता, ब्लैक इसको ड्रॉ कर देगा तो कैसे कर देगा। लगता है कि आपको ना कोई निर्णय पर जरूर पहुँच गए। तो मैं आपको यह बता दूँ कि यहाँ पर व्हाइट जीत जाएगा, लेकिन उसे मेरा ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ यहाँ पे देखिए, किंग ई थ्री के बाद जो है ना, नाइट ब्लैक का नाइट जो एच थ्री गया, अब उसके पास एकदम स्पेस नहीं है। तो कारण अब ये है कि नाइट ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कोशिश करना है नाइट को ट्रैप करने का। यहाँ पे वो पॉन मारेगा तो यहाँ पे नाइट मेरा, हम नाइट को ट्रैप कर लेंगे और नाइट मर जाएगा। तो जैसे वो मारा, देखिए, तो हम क्या किए, नाइट को ट्रैप नहीं करके अपना नाइट को डेवलप किए। क्यों? क्योंकि मेरा नाइट बहुत दूर था, अब अकेले हम उसका नाइट को ट्रैप नहीं कर सकते हैं, मेरे को अपना नाइट का सपोर्ट लेना पड़ेगा और उसका किंग को रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक मेरा पॉन को मार चुका है। तो यहाँ से चेक मारा, तो अब हम कहाँ चले गए, किंग एफ टू पे आ गए। जब वो मेरा जीत्री का पॉन को अटैक कर रहा है, तब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसको सपोर्ट करना है, इसी जगह सपोर्ट करना है नाइट ई फोर करके। तो एक ओनली मूव बचता है, नाइट एफ थ्री। अगर वो नहीं करता, तो अगर किंग को हिलाता, तो हम क्या करते, उसका नाइट को फ्री में मार देते। तो यहाँ पे हम क्या किए उसके साथ, यहाँ पे हम उसके साथ नाइट एफ सिक्स करके एक चेक मारे ताकि वो हिले। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है जाने का, या तो वो एच थ्री जाएगा या तो वो एफ फाइव जाएगा। तो यहाँ पे वो एफ फाइव जैसे ही गया, तो उसका हम नाइट कैप्चर कर लिए, तो अब उसको फोर्स हो गया कि वो भी अपना नाइट को कैप्चर करेगा। जब नाइट को कैप्चर करेगा, तो यहाँ पे मेरे को एंट्री मारने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे वो अपोजिशन भी छोड़ दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो अपोजिशन लिया, तो हम क्या किए, मेरे पास एक एक्स्ट्रा मूव था डी फोर करने का, अब हम इस तरह से सिंपली पॉन को बढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पे छोड़ा, तो फिर हम अपोजिशन ले लिए, फिर एफ सेवन, किंग एफ सेवन गया, तो फिर हम डी सिक्स आ गए, फिर यहाँ पे एफ सिक्स करके लिया, तो हम थोड़ा आगे चले गए, डी सेवन कर दिए, फिर आगे आया, तो फिर हम आ गए डी सिक्स, फिर आया वो, तो हम क्या किए, हम डी फाइव आ गए। तो यहाँ पे अब वो नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे यहाँ पे पॉन है, ठीक है ना, एफ फाइव, किंग एफ फाइव नहीं आ सकता क्योंकि उसका पॉन है। तो वो उसको मजबूरी में किंग ई सेवन जाना पड़ा, तो हम क्या किए, हम ई फाइव आके अपोजिशन ले लिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे वो किंग डी सेवन गया, समझ ही गया था कि आगे क्या होने वाला है, तो गया, तो हम क्या किए, हम सीधा सीधी किंग एफ सिक्स आके अब उसका रास्ता को रोक दिया और एंट्री मार ली, मेरे को एंट्री मारने का मौका दिया, हम एंट्री मार लिए। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, उसका पॉन को मार देना है। देखिए, वो समझ ही गया था इसलिए भाग रहा है, उसका पॉन को मारे, अब अपना हम पॉन को आगे बढ़ाएंगे, क्वीन बनाएंगे, देखिए जी फाइव, हम सिंपली क्वीन बनाएंगे, वो समझ गया क्वीन बना रहा है इसलिए भाग रहा है, ठीक है, हम और हम सिंपली बढ़ाए जा रहे हैं, और इस तरह से हम दो ठो क्वीन बना लिए, देखिए, हम फिर दूसरा को भी जगह दिए, देखिए, और उसको वो भी आगे बढ़ रहा है एच सिक्स एच सेवन होके, फिर ये भी आपका क्वीन बन गया, देखिए मेरा दो क्वीन बन गया। अब हमको सिंपली उसको हराने का, देखिए इस तरह से डबल क्वीन से इसको चेक एंड मेट करके, और हम इस तरह से सिंपली जीत गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को अंत जरूर देखें ताकि मेरे शरीर को, मेरे टेक्निक को अब अच्छी तरह से समझ पाए। धन्यवाद।